हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी सैलरी देख सकता है, अपने लेवल्स चेक कर सकता है, कितनी उसको बेसिक मिलती है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कितना उसका सिक्स पे कमीशन के हिसाब से एचआरए मिलता है। दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, हरियाणा पे मैट्रिक्स गजट नोटिफिकेशन जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 1/1/2016 को जारी किया था। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन, इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं कि किस प्रकार हम अपनी सैलरी चेक करनी है, कि किस कर्मचारी की कितनी सर्विस के बाद कितनी सैलरी, कितनी बेसिक हो जाएगी और किस तरह वो अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर हम आपको दिखाएंगे हरियाणा मैट्रिक्स गजट नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक पे प्लस जीपी ग्रेड पे। तो दोस्तों, आप नीचे चलोगे तो आप देख सकते हो, यहाँ हमने लेफ्ट साइड में लेवल्स दिए हुए हैं। ये लेवल होगा साथियों, इस लेवल के हिसाब से हम चलेंगे कि ये लेवल इस कर्मचारी का फर्स्ट लेवल होगा, यानी और ये इस जीपी के अंदर, यानी ये जो इसकी सिक्स पे कमीशन बेसिक थी वो 4440 से 7440 थी, और इसका जो जीपी था ग्रेड पे वो 1650 रुपये था। और ये जो लेवल होगा इसका डीएल में कैलकुलेट होता है साथियों, ये जो 1650 इसका जीपी होता है वो डीएल में कैलकुलेट होता है साथियों, फोर्थ क्लास के अंदर आता है। तो हमारे लेवल शुरू होंगे यहाँ से, फर्स्ट लेवल पर उस कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट, एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी स्टार्टिंग बेसिक 16900 होगी सेवन पे कमीशन के हिसाब से साथियों। और नेक्स्ट ईयर अगर उस जब उसका इंक्रीमेंट लगेगा तो वो 17400 हो जाएगी, उसके बाद 17900, उसके बाद 18400, ये लेवल बढ़ते जाएंगे और ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट बढ़ते जाएंगे। तो 5 साल के इंक्रीमेंट के बाद 19000 हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से ये हो गया 4440 से 7440 वाला लेवल। अब हम 5200 से 20200 तक चलेंगे दोस्तों। ये क्लर्क का ग्रेड होता है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कर्मचारी आते हैं। तो दोस्तों, जिस कर्मचारी का जीपी 1800 है और बेसिक 5200 से 20200 तक है, उसका जो बेसिक पे होगा फर्स्ट बेसिक पे ज्वाइनिंग के टाइम पर स्टार्टिंग बेसिक उसकी 18000 होगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 18500 हो जाएगा, उसके बाद 19100 हो जाएगा, उसके बाद 19700। इसी तरह दोस्तों इंक्रीमेंट बढ़ते जाएंगे और लेवल बढ़ते जाएंगे। उसके बाद 1900 जीपी जिसका होगा 5200 से 20200 बेसिक पे पर, 1900 जीपी वाले कर्मचारी की फर्स्ट पे होगी दोस्तों 19900, उसके बाद 20500, उसके बाद 2100। तो दोस्तों इसी तरह एसीपी पर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि किसी कर्मचारी की एसीपी को 8 साल हो गए, 8 साल बाद किसी कर्मचारी की बेसिक, 8 साल बाद अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे उसकी 8 साल लगने के बाद उसकी बेसिक पे ये 20800 हो जाती है, जैसे कि यहाँ 100 हो रहा है 20800 एक फोर्थ क्लास की, तो नेक्स्ट लेवल उसका 21400 उसकी फर्स्ट एसी पर ग्रांट किया जाएगा, उसको फर्स्ट एसीपी मिलने पर 21400 बेसिक हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 2000 जीपी वालों की ये कंप्लीट एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर बाय ईयर उनकी इंक्रीमेंट पर लेवल बढ़ते जाएंगे। और 2400 वाले कर्मचारी का ये होगा। उसी तरह 9300 से 34800 जिसके अंदर की जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और लेक्चरर्स आते हैं दोस्तों, तो 4200 एक जेबीटी टीचर का ग्रेड होता है, तो यहाँ पर उनकी जो स्टार्टिंग बेसिक होगी 35400, उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 36500, उसके बाद 37600। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे कि सैलरी किस प्रकार आपको कैलकुलेट करनी है, क्या क्या अलाउंस आपको मिलते हैं। तो इसी तरह अलग अलग 4600 ग्रेड के लिए ये लेवल होंगे, और उसके बाद 4800 ग्रेड के लिए ये लेवल होंगे, और 5400 के लिए ये होंगे। उसके बाद 15600 से 39100 रुपये इनकी बेसिक पे है, और उनका जीपी 5400 है, तो उनके लिए ये बेसिक स्टार्टिंग से होंगे, और उसके बाद ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट के साथ साथ लेवल बढ़ते जाएंगे साथियों। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ लेवल चल रहे हैं, इस लेवल पर इस कर्मचारी की जो सैलरी होगी, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कर्मचारी की यहाँ पर जो सैलरी होगी 5400 वाले की, वो 63100 होगी साथियों। यहाँ पर देख सकते हो आप लेवल 5 साल सर्विस होने के बाद उसकी फिफ्थ इंक्रीमेंट लगेगी, वो 63100 पर लगेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम आप देख सकते हो, ये इस तरह से हर एक कर्मचारी के ग्रेड वाइज और बेसिक वाइज उनकी कंप्लीट लेवल्स दिए हुए हैं कि कितनी कितनी इंक्रीमेंट्स उनको मिलेंगी और क्या लेवल उनका होगा ईयर बाय ईयर। तो साथियों आप सबसे नीचे देख सकते हो,
हमने बताया है कि एक कर्मचारी जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको बेसिक के साथ साथ क्या मिलेगा। साथियों बेसिक के साथ साथ एचआर है 10% जो कि होगा 10% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 1/16, यानी जो उनकी सिक्स पे कमीशन में 1/16 को जो बेसिक थी टोटल बेसिक प्लस जो पे स्केल प्लस जीपी को जोड़कर जो बेसिक बनती है उसका 10% एचआर फिलहाल गवर्नमेंट ने दिया है। और उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2018। तो दोस्तों 1/5/2018 से गवर्नमेंट ने मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए कर दिया था, उससे पहले 500 रुपए था। और डीए दोस्तों फिलहाल 9% करंट बेसिक जो फिलहाल की सेवन पे कमीशन जो लेवल्स हैं उनकी उनके हिसाब से उसका टोटल 9% बेसिक होगा, बेसिक का 9% डीए मिल रहा है। उसके बाद अदर अलाउंस जो भी अलाउंस होते हैं फोर्थ क्लास के लिए किसी अदर कर्मचारी के लिए दोस्तों वो सिविल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो दोस्तों बेसिक पे प्लस एचआर प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस डीए प्लस अदर अलाउंस को जोड़कर आपका टोटल बेसिक मिलेगा। उसके बाद जैसा कि एनपीएस आपका 10%, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि टोटल सैलरी बनने के बाद एनपीएस 10% कटेगा। तो जिन कर्मचारी एनपीएस के अंदर आते हैं उनका 10% एनपीएस कटेगा, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। बेसिक पे प्लस डीए 9% जोड़कर टोटल जो सैलरी बनती है उसका 10% एनपीएस में जाता है, बाकी उसको जो भी जीआईएस कटता है उसके बाद सैलरी मिलती है। और उसके बाद जो जीपीएफ कर्मचारी हैं वो अपने इच्छा अनुसार जीपीएफ कटवा सकते हैं और उनकी उनकी सैलरी उनके हिसाब से होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी कि किस प्रकार हम अपनी बेसिक्स चेक करें। तो हर एक कर्मचारी अपनी बेसिक चेक कर सकता है कि किस साल उसकी बेसिक कितनी होगी, कितने साल की सर्विस के बाद उसकी बेसिक कितनी होगी और एसीपी पर फर्स्ट एसीपी सेकंड एसीपी या थर्ड एसीपी पर उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा, ये वीडियो